हीरो ने लॉन्च की है एक नई स्कूटी डेस्टिनी, पहले भी आप लोगों के बीच थी और अब आया है डेस्टिनी का एक्सटेक, नए फीचर्स, फुल्ली लोडेड, नई नई सुविधाओं के साथ लैस और नए डिज़ाइन और नए सुविधाओं के साथ आपके बीच और काफ़ी किफ़ायती। कह रहे हैं कि इसमें माइलेज भी ज़्यादा है, सो सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों को ये प्रभावित करता है कि अगर गाड़ी में कम माइलेज हो तो वो दिक्कत होती है। माइलेज साथ में स्टाइल, साथ में फीचर्स और साथ में अलग अलग अच्छी फैसिलिटीज़ अगर आपको एक स्कूटी दे तो फिर क्या बात है। हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे और उनसे बात भी कराएंगे। यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं आपका मेरा नाम हर्ष शांडिल्य है। शांडिल्य जी, क्या नया है इस स्कूटी में, क्यों लोग डेस्टिनी एक्सटेक खरीदें, ये आप लोग जी। ज़रूर, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को, सभी ग्राहकों को जो हमें देखते हैं, और धन्यवाद आपका कि आप ही के प्यार की वजह से आज हीरो इतना ज़्यादा बेहतरीन कंपनी हो चुका है कि नए से नए प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लॉन्च करते जा रहा है। तो जैसा कि आपका सवाल था कि क्यों लोग डेस्टिनी एक्सटेक को लें, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पहले भी डेस्टिनी आया करती थी, स्टैंडर्ड मॉडल में डेस्टिनी आया करती थी, अच्छी खासी सेल्स थी, और उसके बाद कंपनी ने सोचा कि अब लोगों को थोड़ा सा अपग्रेड देना चाहिए क्योंकि मार्केट अब बदल रहा है, लोग थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की ओर ज़्यादा बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आगे से इसकी। पहले जो डेस्टिनी आती थी उसमें एक बहुत ही सिंपल और प्लेन लुक आता था, बट अभी इसमें एक थोड़ा सा रेट्रो लुक दे दिया गया है। पहले मैं आगे में आपको LED लाइट दे दी गई है, पहले आपको नॉर्मल सिंपल हेलोजन मिलती थी, यानी कि रात में आपको अब ज़्यादा रोशनी मिलेगी, आपके सेफ्टी बढ़ जाती है। दूसरी हम लोग इसमें बात करते हैं सबसे बेहतरीन चीज़ क्या दी गई है, तो इसमें अब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी गई है। ऐसे इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर आता है, पहले भी आता था, लेकिन अब आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी गई है कि अगर आपको किसी का कॉल आता है या मैसेज आता है तो आपको अपनी स्कूटर पे ही पता चल जाएगा। यानी कि अब जिस प्रकार से एक वॉच का एक झंझट था, समझ लीजिए कि लोगों को यहाँ देखना पड़ता था कि कॉल मेरे हाथ में आ रहा है, चलो बज रहा है, ठीक है उठाना है, अब जरूरत नहीं है, इधर भी देखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा यहीं पे आपको यहाँ पे ध्यान चला जाता है। तो इससे क्या हुआ, सेफ्टी थोड़ी इनहेंस हो गई, क्योंकि पहले बात रही वॉच की या उससे पहले बात रही स्मार्टफोन्स की, जनरली लोगों की आदत रहती थी स्कूटर चला रहे हैं ट्रैफिक वगैरह में, अचानक से फ़ोन निकाले या घड़ी देख ली तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती थी, लेकिन नहीं, अभी उस चीज़ को दूर कर दिया गया है। थोड़ा अच्छा डिज़ाइन भी, लेआउट भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, अभी थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन लगता है, थोड़ा क्लासी डिज़ाइन लगता है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यूटिलिटी बॉक्स दे दिया गया है जो कि पहले मिसिंग था, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है। बहुत लोग पहले इसको चेतक में देखा करते थे, हाँ। उस समय स्कूटर में देखा करते थे एक टाइम का आप बोल सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ना सिर्फ यहाँ पे आपको यूटिलिटी बॉक्स बल्कि एक यहाँ पे फोन चार्ज करने के लिए आपको पोर्ट भी दिया गया है ताकि आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। क्या बात है। साथ ही साथ में आपको अब इसमें एक बैकरेस्ट मिल जाता है, ये सॉफ्ट और कुशन वाला बैकरेस्ट है, इनकेस अगर कोई डबल राइडर बैठता है या कोई ओल्ड कोई बड़ी उम्र का बैठता है, कोई बुजुर्ग बैठते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी बैठने में, कंफर्टेबल फील होगा। साथ ही साथ में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें साइड स्टैंड को कट ऑफ सेंसर दिया गया है। इट मीन्स कि इनकेस अगर आपकी स्कूटी का स्टैंड साइड स्टैंड निकला पड़ा है तो आपकी स्कूटी किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होगी, फिर चाहे आप ब्रेक लगा कर करें या कैसे भी करें। तो इससे क्या हुआ, सेफ्टी को थोड़ा और ज़्यादा बूस्ट मिल गया। पहले कई लोग होते थे, वार्निंग तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में शो हो जाती थी लेकिन लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हो जाती थी, लेकिन अभी लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा साइड स्टैंड खुला है, मुझे बंद कर लेना चाहिए। साथ ही साथ में स्कूटर में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है जिसको हम लोग IBS बोलते हैं, इंडिकेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप पीछे वाला ब्रेक दबाएंगे तो आगे वाला भी काम करेगा। तो मोर ओवर अगर देखा जाए बजट में माइलेज के अकॉर्डिंग, लुक्स के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा पैकेज ये आपको प्रोवाइड करती है। लोग जो आपको सुन रहे हैं और सारे फीचर्स को देख रहे हैं, इसके लुक को भी देख रहे हैं, दिमाग में सबसे पहला सवाल जो लोगों को आता है वो आता है कि प्राइस क्या होगी, क्या हमारे बजट फ्रेंडली होगा या नहीं, क्या हमारा पॉकेट अलाउ करेगा या नहीं। ऑब्वियसली बजट फ्रेंडली होगा। अभी हम लोग जानते हैं कि जितनी भी 125cc सेगमेंट की स्कूटर हो, फिर चाहे वो बाइक, अब वो 1 लाख के पार ही आती है। एक ज़माना था कि लोग 1 लाख रुपए में अपने घर में 200cc की बाइक ले आया करते थे, लेकिन वो ज़माना बदल गया, अब हमेशा 1 लाख के पार ही रहती है। ये आपको 1 लाख के नीचे मिलती है, 97,000 इसके ऑन रोड प्राइस है ना। और जिस फीचर्स के हिसाब से, अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो जो फीचर्स ये दे रही है उससे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा बजट और पॉकेट फ्रेंडली होने वाली है उसके हिसाब से। मुझे तो सबसे इसमें ज़्यादा पसंद आया, गौरव इधर से आप दिखाएंगे, ये जो ग्लास दिया है और ये ग्लास की फिनिशिंग देख लीजिए, ये मेटल है शायद, है ना जी। हमें अक्सर हम जो स्कूटी हम चलाते हैं अभी भी, और वो पूरा ये प्लास्टिक का होता है और इसमें
सबसे पहले वॉशिंग के बाद यहाँ पर अंदर पानी जाने की दिक्कत होती है, उसके बाद जब हम गाड़ी निकालते हैं तो ये लगभग 10-15 मिनट तक यहाँ पर से पानी टप 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 चूता रहता है जी। तो बेसिकली उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है इसमें। एक्चुअली अब आपको थोड़ा रेट्रो लुक मिलता है। जी जी सर, रेट्रो में आपको डिफाइन कर देता हूँ, ये थोड़ा ओल्डिश लुक लगता है, जैसे कि पुराने ज़माने के चेतक में आता था क्रोम, वेस्पा वगैरह में ये सब में क्रोम आते थे, तो थोड़ा रेट्रो लुक है, थोड़ा ओल्ड लुक दिया गया है लेकिन थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न टच के साथ, जिससे कि आपको थोड़ा प्रीमियम और थोड़ा क्लासी फील आए। यानी कि दादाजी भी लोग बैठे तो उन्हें लगे कि हमने हाँ, पहले ही हमारा टच आ रहा है, पहले हमारा टच आ रहा है, थोड़ा इमोशन जुड़ जाते हैं। और साथ में नई नई टेक्नोलॉजी और सुविधाएं भरपूर मिल रही हैं, भरपूर सुविधाएं। ये अच्छा कॉम्बो हो सकता है अगर आप स्कूटी लेना सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी का बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है, तो ये तेल वाली फ्यूल से चलने वाली स्कूटी क्यों लें लोग? देखिए मैं आपकी बात से भलीभांति सहमत हूँ, और लोगों का भी कहीं ना कई मामलों में लोगों का भी कहना गलत नहीं है। जिस प्रकार हमारे तेल के दाम ऊंचाइयों पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों के मन में ऐसी थिंकिंग बनेगी कि नहीं, मुझे ईवी की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए, मुझे तेल का खर्चा नहीं होगा। मैं उनसे सहमत हूँ, मेरे को इसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आप कौन सी कंपनी के पास जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी हीरो है, अभी तक इन्होंने अभी वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाला नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर ये ज़रूर निकालेंगे, तो तब तक क्या मुझे कोई लोकल कंपनी के पास जाना चाहिए? भले ही मुझे तेल का खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि वो जानी मानी कंपनी नहीं होगी, मुझे सर्विसिंग की दिक्कत आएगी, मुझे मेंटेनेंस की दिक्कत आएगी। साथ ही साथ में इनके सभी बहुत सारे इंडिया में केसेस देखे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आग पकड़ जा रही है। माइलेज क्या रहेगा अगर लोग अगर तेल अगर पेट्रोल भी अफोर्ड करें लोग, तो सबसे दूसरा सवाल होगा प्राइस के बाद की क्या माइलेज देगी स्कूटी? देखिए माइलेज की अगर बात किया जाए तो डेस्टिनी ने हमारा एक रिकॉर्ड सेट किया था, BS6 में अपग्रेड होने के बाद एक रिकॉर्ड सेट किया था, इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, 68 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती थी ये स्कूटी। लेकिन वो सीन था कि स्ट्रेट लेन हाईवे पे एक बंदे ने चला के देखा था तो वो रिकॉर्ड सेट किया था। लेकिन जनरली हम जिस एरिया में रहते हैं या गांव घर में चलाएंगे या सड़कों की कंडीशन आप देख रहे हैं, वैसी कंडीशन में मेरा दावा है कि ये 60 प्लस आपको अप्रॉक्सीमेटली माइलेज जरूर दे देगी। आप ये कह रहे हैं कि ये सच में ये एक्चुअल में हमारे कस्टमर्स का रिव्यू है, जो अब तक के डेस्टिनी ओनर्स हैं, ये अब तक का उनका रिव्यू है कि हाँ जी मैंने ली और मेरे को 60 प्लस एवरेज मिल गया। तो ये एक्सटेक मॉडल में ज़्यादा बढ़ेगा कम होगा या ये एक्सटेक मॉडल में इसकी उम्मीद है कि हाँ, क्योंकि अभी तक तो ये न्यू लॉन्च हुई है, लेकिन जैसे उम्मीद है कि ये हाँ उससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि बेटर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नई नई सुविधाएँ बढ़ रही हैं तो कम से कम बेटर परफॉर्मेंस देना ही चाहिए। तो चलिए अगर आपको कहीं प्लान कर रहे हैं कि आपको एक स्कूटी खरीदनी है, घर में एक स्कूटी सदस्य की आपको आवश्यकता है, तो आप यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको गोड्डा के हीरो शोरूम में मिल जाएगा। एक बार एड्रेस बता दीजिए यहाँ के शोरूम। टेकरीवाल हीरो गोड्डा भतड़िया झारखंड, ये गोड्डा का टेकरीवाल शोरूम है। अगर आप गोड्डा से हैं तो इस स्कूटी को आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं, अगर आपको ये पूरा रिव्यू पसंद आया हो तो। लेकिन टेस्ट ड्राइव यहाँ पर ज़रूर लें और टेस्ट ड्राइव करके करने के बाद ही सही फैसला करें। धन्यवाद।